subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यद्यपि बौद्ध धर्म में शराब पीना एक पाप माना जाता है, लेकिन 1.5 मिलियन हरी हाकेन और ब्राउन चान बियर की बोतलें वटपा महाचेदी के मंदिर के निर्माण में चली गई। उत्तर पूर्व थाईलैंड में खुनहान शहर में स्थित इस परिसर को बनाने में दशकों से लगे हैं। स्थानीय अधिकारियों और निवासियों की मदद को ध्यान में रखते हुए भिक्षुओं ने 1984 में बोतलें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रिसाइकल से उन्होंने मंदिर का टॉयलेट, शमशान और खारिज बोतल से सबसे ऊपर मोज़ेक की विशेषता वाले 20 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। कॉम्प्लेक्स एक पर्यावरण अनुकूल रिसाइकलिंग पहल कार्यात्मक निर्माण बोतलें साफ नहीं होती हैं और साफ करने में आसान है के रूप में काम करता है और कांच पर प्रकाश के खिल और निवेशित कोहनी तेल की मात्रा के माध्यम से एक साफ का प्रतिबिंबन और बौद्ध धर्म का अनुशासन। इस पहल ने स्थानीय प्रदूषण को भी साफ करने में मदद की है और भिक्षु हर बोतल को इकट्ठा करने के लिए और विस्तार करने का इरादा रखते हैं। 6 मिलियन बियर की बोतलों से बना हाउस यहाँ तक बौद्ध मंदिर में शीर्ष पर रहने वाले एक व्यक्ति इंजीनियरिंग में 19 लाख साल पुरानी बियर रोंडा वॉल हाउस। उन्होंने पड़ोसियों और सड़क से बोतलों के मोटली वर्गीकरण को इकट्ठा किया और एक के बाद एक पूरी तरह से सफाई की उम्मीद की। अपने घर की नींव दीवारों को बनाने के लिए बोतलों को ढेर कर दिया। बेहद पर्यावरण के अनुकूल होने के अलावा सौंदर्यवादी रूप से सुखदायक और कड़ी मेहनत की प्रेरणादायक परिणति घर भी संगीतमय है। फार्म का सच है, जब हवा गुजरती है तो बोतल गर्दन सीटी देती है। बियर की बोतलों के साथ निर्मित एक संपूर्ण गांव बहुत पहले रिसाइकलिंग शुरू हो गया था और टिटोए अथाई भिक्षुओं ने अपनी बोतलें एकत्र करना शुरू कर दिया था। ट्रेसाइज दादी प्रिस्ब्लेबी ने अपने बहुत ही बियर गांव सेमी घाटी कैलिफोर्निया में पहले ही काम शुरू कर दिया था 1956 में और 25 वर्षों में दादी प्रेसबरी ने अपने शराबी पति द्वारा छोड़ी गई बोतलों को इकट्ठा किया और प्रभावशाली बोतल विलेज के निर्माण के लिए स्थानीय लैंडफिल से कूड़े को इकट्ठा किया। मूल रूप से दादी प्रेसबरी और उनके पति ने जमीन खरीदी थी और तंग बजट के कारण उन्होंने अपने पिंसिल संग्रह कोई मजाक नहीं के लिए एक इमारत बनाने के लिए कूड़े को इकट्ठा करने का सहारा लिया। धीरे धीरे पेंसिल हाउस 23 इमारतों, मोज़ेक मार्गों, मंदिरों, उद्यानों, मूर्तियों और कलात्मक कुओं की कलात्मक कृति में बदल गया। सभी कचरा खजाने में बदल गए। हालांकि 1994 के नॉर्थरिज भूकंप के बाद गांव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और मूल संरचनाओं में से केवल 3 शेष हैं। फिर भी गांव बियर की बोतल वाले घरों के साथ पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रथाओं की स्थिरता के लिए एक बसीत नमा के रूप में खड़ा है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड बोतल हाउस 1979 में अपनी बेटी से एक ग्लास हाउस का पोस्ट कार्ड प्राप्त करने के बाद डॉटी आर्सेनल ने कैबिक मोट प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा में बोतल हाउस बनाने के लिए प्रेरित किया। अपने स्थानीय समुदाय रेस्तरा पड़ोसियों दोस्तों से बोतलों को इकट्ठा करने और उनके तहखाने में एक सर्दियों की होली बिताने के बाद उन्हें साफ करने के बाद आर्सेनल ने 1980 में पहले घर का निर्माण शुरू किया। 4 साल और 25,000 बोतलों के बाद बोतल हाउस पूरे हुए। पर्यटकों के आकर्षण में 6 साखन घर, एक सराय और एक चैपल शामिल हैं। सभी को आर्सेनल द्वारा रंगीन बोतलों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है जो रूपावनी बग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।